नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। अमेरिकी मौसम विभाग का कहना है कि प्रशांत महासागर में सितंबर अक्टूबर महीने में लानीना का असर देखने को मिल सकता है। लानीना और एलनीनो दोनों ही हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। एलनीनो के प्रभाव से जहाँ अनियमित मानसून और सूखा होता है, वही लानीना से ज्यादा बारिश और बाढ़। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस बार भारत में सितंबर में लानीना का असर दिखेगा। तो आइए जानते हैं कि लानीना और एलनीनो में क्या है अंतर। एलनीनो और लानीना, ये दोनों ही स्थितियां हवा के विषम वर्ताव के कारण सतह के तापमान बदलने से पैदा होती हैं। एलनीनो में हवा कमजोर पड़ जाती है और गर्माहट पैदा होती है, जबकि लानीना में हवा बहुत मजबूत होती है और ठंडक पैदा करती है। एलनीनो के दौरान मध्य व भूमध्य प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है, जिससे पूरे भूमंडल की हवा का पैटर्न बदल जाता है। इसलिए अनियमित मानसून और सूखा देखने को मिलता है। तो ये था लानीना और एलनीनो में अंतर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।